जुलाई और अगस्त 2021 के महीने में बॉलीवुड की बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने को तैयार बैठी थी, लेकिन अब कोरोना के चलते थिएटर्स खुले नहीं हैं, तो एक बार फिर से इन फिल्मों की डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। ये फिल्में कब रिलीज होंगी इसका कोई भी अता पता नहीं है। मुंबई में सिर्फ 5% फिल्मों की ही शूटिंग चल रही है, वो भी बड़े मजबूरी के साथ में। आपको ये लग रहा होगा कि बॉलीवुड में एक के बाद एक फिल्मों की अनाउंसमेंट हो रही है, मतलब कि बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी फिल्में बन रही है, लेकिन असली सच्चाई ये नहीं है। कहानी में असली ट्विस्ट कुछ और ही है। 2 साल से जो सिनेमा घर है हमारे देश के, वो नई फिल्मों और दर्शकों को देखे बिना तरस चुके हैं। सिनेमा घर के गेट पर इस वक्त सिर्फ वॉचमैन ही दिखते हैं, रात में तो कभी कभी टॉर्च मारते हुए दिख जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि रामसे ब्रदर्स की जो भूत वाली फिल्में हुआ करती थी, उसका कोई चौकीदार है जो लालटेन लेकर आता है, ठीक उसी तरह से ये वॉचमैन टॉर्च मारते हुए आता है और पूछता है, बाबूजी आपको कहाँ जाना है? जब आप कहोगे कि भाई कहीं नहीं जाना है, बस देखने आया था कि इस सिनेमा घर की हालत कैसी है, तो वो चौकीदार भी भैया यही शब्द बोलता है कि भैया पिछले 25 सालों से इस सिनेमा घर में कोई नहीं आया, ये सिनेमा घर अब भूतिया हवेली बन चुकी है। कभी इन सिनेमा घरों में खूब चमक धमक हुआ करती थी, 10 रुपए वाला समोसा 50 रुपए में बेचा जाता था, 5 रुपए वाला पॉपकॉर्न 200 रुपए में बेचा जाता था, और 15 रुपया वाला जो ठंडा जिसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं वो भी 50 रुपए में 100 रुपए में बेचा जा रहा था। तो भैया एक मिडिल क्लास इंसान की हाय तो लगनी ही थी। एक मिडिल क्लास आदमी जब सिनेमा घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ फिल्में देखने के लिए जाया करता था, तब सिनेमा घर वाले उसे लूट लेते थे। बेचारा जितनी उसकी सैलरी नहीं होती थी उतना तो वो लूट कर चला आता था। अब देखो पूरा का पूरा सिनेमा घर ही कब्रिस्तान बन चुका है। वैसे सिनेमा घर का चौकीदार भी यही बोलता होगा कि मैं यहाँ पर अकेला महसूस नहीं करता, रात में मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, कुछ भूत देसी पौवा लेकर आते हैं, आग जलाकर मेरी बगल में बैठ जाते हैं और चुड़ैले मेकअप करके आती हैं और आइटम डांस करती है, कभी कभी तो मैं उन्हें फिल्मों के डायलॉग तक सुना देता हूँ, इससे क्या है हमारा भाईचारा बना रहता है और मुझे डर नहीं लगता है। तो सिनेमा घरों की स्थिति पूरे देश में इसी तरह की है। तो बॉलीवुड जो है वो फिल्मों की अनाउंसमेंट इसलिए कर रहा है हर रोज, क्योंकि बॉलीवुड खुद को घाटे में दिखाना नहीं चाहता है। खुद को घाटे में दिखाना मतलब कोई नया निर्माता उनकी फिल्मों में पैसे नहीं डालेगा, जब पैसे नहीं डालेगा तो फिल्में बनेगी कहां से? मतलब जिन फिल्मों की अनाउंसमेंट जनवरी 2021 में हुई थी वो फिल्में अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, और आप हर रोज देख रहे होंगे कि नई नई फिल्मों का पोस्टर लॉन्च किया जा रहा है। अब इनकी शूटिंग शुरू होते होते शायद ये साल भी खत्म हो जाएगा, और अगर इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर जनवरी फरवरी 2022 के महीने तक आ जाती है, जो कि आनी ही आनी है, जिस तरह से हमारे देश की जनता जागरूक बनकर कभी शिमला कभी मनाली तो कभी गोवा घूमने के लिए जा रही है, कभी स्विमिंग पूल में नहा रही है, उस हिसाब से तो कोरोना की तीसरी लहर आना बनता ही है। हालात फिर वही हो जाएंगे, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बड़ी बड़ी फिल्में बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ जो बनकर पिछले साल 2020 से तैयार हैं, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, इसके चलते बॉलीवुड के करोड़ों रुपए डूबे पड़े हैं, रुके पड़े हैं, इनका कुछ भी ठिकाना नहीं है। कुछ फिल्म मेकर्स तो तंग आकर उन्होंने पैसे का लेन देन करके कुछ प्रॉफिट कुछ नुकसान सहकर ओटीटी पर अपनी फिल्मों को रिलीज कर दिया, कब आई वो फिल्में कब चली गई कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ अभी भी बड़े बड़े निर्माता हैं जो इस इंतजार में हैं कि नहीं, मैं अपनी फिल्मों को सिनेमा घर में ही रिलीज करूंगा चाहे धरती पलट जाए। क्योंकि सिनेमा घर का हाल ऐसा है कि सलमान खान की राधे देश के कई राज्यों में रिलीज हुई, लेकिन उसकी जो कुल कमाई है वो अभी तक सिर्फ 1,80,000 रुपए हुई है। पिछले हफ्ते तो सलमान खान की राधे ने सिनेमा घरों में सिर्फ 1,300 रुपए कमाए। इतने में तो पूरी फैमिली सिनेमा घर में जब पिक्चर देखने जाती है तो पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक और समोसे खा जाती है। जहां जहां सिनेमा घर खुले हैं वो 50% दर्शकों के लिए खुले हैं, और उसमें भी गिन चुनकर 4 से 5 लोग जाते हैं, वो भी वो लोग देखने जा रहे हैं फिल्मों को जो घर में एकदम निठल्ले बैठे हैं, बोर हो चुके हैं, घर में अपनी अपनी बीवियों से झगड़ा करते हैं, तो टाइम पास करने के लिए सिनेमा घरों में जाते हैं और वहां पर एसी में सो जाते हैं। ऐसे में बॉलीवुड का 1,700 करोड़ रुपया अभी तक बड़ी बड़ी फिल्मों पर फंसा हुआ है, एक बहुत बड़ा दाव लगा हुआ है। बॉलीवुड को पिछले साल से लेकर अब तक 13 से 15 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, हो सकता है कि ये घाटा और भी बड़ा हो। बॉलीवुड की हालत इस वक्त टाइटेनिक के डूबते हुए जहाज की तरह है, जिस पर सवार निर्माता ये सोच रहे हैं कि कब सिनेमा घर खुलेगा, कब दर्शक आएंगे और मुझे बचा लेंगे। लेकिन भैया रियलिटी में तो हम सबको पता है कि टाइटेनिक जहाज डूब गई थी और उस पर सवार जितने भी लोग थे
मर गए थे, कुछ इक्का दुक्का लोग बचे हुए थे। तो इस खेल में जिसके पास, जिस निर्माता के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा वो बचा रहेगा, और बाकी छोटे मोटे मिडल लेवल के जो निर्माता हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि कर्नाटक में 150 से ज्यादा सिनेमाघर बंद हो चुके हैं। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस और कोरोना बॉलीवुड के ऊपर बहुत बड़ा श्राप बनकर आया है। अब ये श्राप कितना हद तक बर्बाद करेगा ये बॉलीवुड को भी नहीं पता है। भले ही कितनी फिल्मों की अनाउंसमेंट रोज कर लें, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है।